ब्लॉक कांग्रेस सोलन की बैठक जौनाजी क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडे ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य नव नियुक्त कार्यकारिणी का आपस में परिचय करवाना था, ताकि वे आने वाले पंचायत व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। बैठक में विधायक द्वारा निर्णय लिया गया कि जल्द ही बूथ स्तर पर कमेटियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाई जाएंगी। हर बूथ से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, ताकि पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत हो सके। वहीं विधायक ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं को हल करने में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी प्राथमिकता भी यही है। आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस की पहली परिचय मीटिंग थी, जिसमें कोरोना काल की वजह से पहले ना हो सकी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रही। मैं समझता हूँ इसमें जहाँ पे हमारे सभी माननीय सदस्य जो कार्यकारिणी के थे और जिन्हें पदाधिकारी बनाया गया, वो मौजूद रहे। हमारे वरिष्ठ नेता श्री हेमेंद्र ठाकुर जी अलॉन्ग विद बोथ और प्रधान संजीव ठाकुर और अपने अंकुश सूद जी और सभी जितने भी हमारी महिला प्रधान बहनें थी, वो भी आई। अच्छा लगा कि हम आने वाले जो पंचायत के और शहरी निकायों के हमारे जो इलेक्शन होंगे, उनके लिए बूथ कमेटीज का निर्धारण करेंगे और इसके लिए उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। जो बूथ कमेटीज बनाएंगे, जिसे हम बाद में देखेंगे, और मेरा मानना है कि इसमें अच्छी तरीके से जो मार्गदर्शन किया गया हमारे नेता हेमेंद्र ठाकुर जी ने, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम एक प्रकार से चल पड़े हैं अपने एक मिशन की तरफ, जिसमें कांग्रेस इकट्ठी है और काम बांट दिया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहुत अच्छे तरीके से जो इस क्षेत्र की जो जिम्मेवारियाँ बांटी उसे निभाएगी। और दूसरी मीटिंग भी हम शीघ्र ही करेंगे। हर महीने में कम से कम एक मीटिंग इकट्ठे जगह पे, एक केंद्र स्थान पे होगी, और बाकी जितने जोन बनाए हैं, जैसे चायल की तरफ का हो, हमारे जौना जी का तरफ, और इस क्षेत्र का खासकर जो ओच घाट का इलाका है, इसी का सायरी और कोष्टू का इलाका है, ये जोन कंडा घाट के और सोलन के निर्धारित किए जाएंगे। और मुझे पूर्ण आशा है इस प्रकार से जिम्मेवारियां बांटने से हमारा जो कार्यशैली है बहुत अच्छे तरीके से आगे आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर यहाँ के जो हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग और जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे।